हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में मैं जो आपका एनसीईआरटी मैथ्स है इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो बताने जा रहा हूँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि जो सर मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा उसी को पढ़ कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे या टॉप कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट बताऊँगा, क्वेश्चन भी ज़रूर आएंगे उनमें से, लेकिन एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ फॉर साइंस। एनसीईआरटी अगर आप सिर्फ साइंस से पढ़ रहे हैं, साइंस के लिए सिर्फ आप एनसीईआरटी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी बताऊंगा। ये तो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ आज की जी आज और एक वीडियो अपलोड होगी जो प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ एक मैं नई सीरीज लाने वाला हूँ, खुद के क्वेश्चन लिखूंगा और 100 नहीं वो 200 क्वेश्चन होंगे, वो वीडियो आप ज़रूर फॉलो करना। और इस वीडियो को प्लीज़ देखें तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा आपसे एक वादा है। सो सबसे पहले साइंस का जो आपको पता है साइंस कितने हिस्सों में बटा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और आपका इन्वायरमेंट, ये 4 पोर्शन है आपके, और इन सब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा। सो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, सो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पता है कैसे बनेंगे, ये जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, हर टॉपिक का मतलब क्या होता है, टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, आपको अपने आप से क्वेश्चंस करना है, उसके जवाब ढूंढने हैं एनसीईआरटी पे उनके। अगर आपको मैं दूसरे अदर चीज़ बुक्स के बारे में बताऊँ तो अदर मार्केट में वो एग्जाम आइडिया है वगैरह वगैरह, चित्रा वगैरह, ये सब आती है, उनको फॉलो करो, उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी नहीं है। सो देखो ये सब जो क्वेश्चन है केमिकल, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, आप और हमेशा देखो जब भी आपको एग्जाम में भले बोले एग्जाम्पल दो या ना दो, एग्जाम क्वेश्चन में बोले या ना बोले, लेकिन आपको ऑलवेज एग्जाम्पल देना है, ऑलवेज रिएक्शन लिखनी है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे, तो हर चीज़ में आप डेफिनेशन दो, एग्जाम्पल दो, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, हो सके तो फिगर जहाँ पॉसिबल हो फिगर भी बनाओ, कोई भी चीज़ स्किप मत करो। अगर आपको डिक्टेशन मार्क या फिर बहुत अच्छे स्कोर करना है मैथ्स साइंस में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, जैसे हर एक प्रॉपर्टी जो हर एक टॉपिक जो होगा ना वो आपको आना चाहिए। मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है मैं वही बताऊँगा। सो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। और अगर आप मेरे को बोलेंगे सर प्लीज़ हमें ये साइंस भी कवर करवा दो, सो मैं इसके लिए चैप्टर वाइज आपके लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड रही तो। ठीक, सो क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं जो इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं एनसीईआरटी के एस बॉक्स में बने हुए हैं या एक्सरसाइज में, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन मैंने बात की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, सो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही बताऊंगा। सो पेज नंबर जो आपका 6 है, जो पहला क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चन सेकेंड नंबर इम्पॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे टाइम में आ रखा था 2008 में। फिर इस मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये सारे टॉपिक जो होंगे वो इम्पॉर्टेंट है, खुद में अपने आप एक क्वेश्चन बना रहा है और इसके आंसर आपको ढूंढने हैं, सारे जो टॉपिक आएंगे वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है उनकी बात कर रहा हूँ। सो इनमें से आपका कोई जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पेज नंबर 13 में। फिर पेज नंबर 15 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक, ये भी हो गया। फिर पेज नंबर 16 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये
चैप्टर वन हमारा फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हर एक एसिड बेस इन द लेबोरेटरी, ठीक है, इसके बाद लेबोरेटरी में जाइए, सब बकवास है, ये नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन हर साल आता है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन, तो ये ढूंढना ज़रूर, ठीक। ये जो हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनके क्वेश्चन आंसर आप बनाना जहाँ से भी देख पाओ, एग्जाम आइडिया लो या जो भी लो। फिर ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला पेज नंबर जो 22 है का पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ पेज नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फाइव, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे जो ब्लैक ब्लैक में टॉपिक हैं इनको तो कवर करना ही है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन बना सकते हो वो। फिर पेज नंबर 28 पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ पेज नंबर आपका 33 पे, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, पेज नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर डज, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 35 में, ये भी हो गया। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। सो फिर से बता रहा हूँ, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर पेज नंबर 40 का सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है ये। फिर देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, ये जो जितने भी टॉपिक होते हैं ना इनके क्वेश्चंस तो आपको ढूंढने हैं। फिर ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स विद रिएक्ट विद एसिड्स, हर टॉपिक देखो इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चंस आएंगे। सो इनके क्वेश्चंस बने नहीं हुए एनसीईआरटी में, तो आपको खुद से एग्जाम आइडिया पढ़ना है वगैरह वगैरह, इनसे ढूंढना है। सो उसकी तो मैं अलग सीरीज लाने वाला हूँ। पेज नंबर 46 में क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई इज सोडियम केप्ट इम्प्रेस इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल ओरे एंड गैंग, ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ आपका पेज नंबर 56 में, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक, गिव टू एग्जांपल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, सो मेरे को कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अलग से एक चैप्टर का वीडियो बना दीजिए, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है हमें, आप अपने ईजी तरीके से बना दीजिए। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगा, और हम मेरे को रिक्वेस्ट भी रखी कि जो फिजिक्स है सर क्लास 10th की वो उसे पूरी करा दीजिए, सो वो भी मैं करा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, बहुत ही सिंपल तरीके से। पेज नंबर 61 में क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये चीज हो जाएगी, ये टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर ये क्वेश्चन है पेज नंबर 68 का पहला, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और ये बोला हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स 5। अच्छा क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 77 में पहला क्वेश्चन, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। ठीक है, ऑप्शनल तो ये सारे आपको देखनी है तो, लेकिन पहला अच्छा क्वेश्चन है। फिर पेज नंबर आ जाओ 78 का 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मुलेशन इन CH3Cl, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज एन होमो, ये वाला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वेयर द लिमिटेशन ऑफ, ये वाला। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वेयर द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये चीज भी हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पेज नंबर 90 में, क्वेश्चन नंबर 1 हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पांचवा इंपॉर्टेंट है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 287, और इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला पेज नंबर 91 पे। सो ये इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, इस पर आते हैं। और इससे बच्चे बहुत बोर होते हैं, और जिसको ये अच्छा लगता है उसके लिए तो फेवरेट सब्जेक्ट है ही है, और जिसको अच्छा नहीं लगता उसके लिए ये बोरिंग हो जाता है कि अजीबोगरीब नाम आते हैं, अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। अगर इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना चाहोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। साइंस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में यही सब चलता है, साइंस भरा पड़ा है हमारे चारों तरफ। सो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहले ही मैं बोल चुका हूँ सारे टॉपिक जो होते हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ अभी। पेज नंबर 101 में पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंड क्वेश्चन नंबर 5 हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 105 में, एंड क्वेश्चन नंबर 3
बहुत इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 112 में क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो अगर मैं बात करूँ सिर्फ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में ये जितने भी ऐसे डब्बे के अंदर क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। उनको तो सारा पढ़ना है, उनमें से कोई सा भी आ सकता है, पहले ही बता रहा हूँ। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ही क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो तो आपको सारा पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना मत कुछ भी। पाँचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 113 पेज में, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आर बॉडीज, ठीक है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 113 में। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही ईजी चैप्टर है, और ये एक फिगर है जो हर साल आता है, इसको तो आप रट लेना। सिंपल सा फिगर है विद नेम, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत, ह्यूमन ब्रेन का जो फिगर है वो भी थोड़ा देख लेना, और एक आता है हार्ट का और एक आता है आई का। ये फिगर जो होते हैं इनमें से हर बार सीबीएसई दे देता है। सो क्वेश्चन पेज नंबर 119 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 122 में सेकंड, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 125 में, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इम्पोर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। पेज नंबर आपका 126 में क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट, 8 इम्पॉर्टेंट, 10 इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया, फिर ये भी चैप्टर एंड हो गया। चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ये वाला चैप्टर। फिर पहला क्वेश्चन इसका पेज नंबर 128 पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक ये इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ फिजन, ये पढ़ लेना। फिर हाइड्रा में जो होता है वो देख लेना, बडिंग, सब अच्छे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो पेज नंबर 133 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 आल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर मेल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन पेज नंबर 140 में इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इम्पॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, देखते हैं। जो मेंडेल हैं एंड जो उन्होंने जो प्रयोग किए थे उन पर क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है उसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी हम पढ़ेंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है पेज नंबर 150 में, इसका भी पहला क्वेश्चन पेज नंबर 151 में इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट।
फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आते हैं फिज़िक्स, बायोलॉजी ख़त्म, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग और आ जाएगा क्योंकि फिजिक्स बहुत ही शानदार लगता है मेरे को। सो देखते हैं, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं इसमें, सो वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट, फिर ये मैग्नीफिकेशन वगैरह क्या होते हैं, मिरर फार्मूला, ये सब तो इम्पॉर्टेंट हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल हैं सारे करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन ही क्वेश्चन है वो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टॉपिक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे वो तो इम्पॉर्टेंट हैं, मैं तो उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्पल ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। फिर क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट, और ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट, 16 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेज नंबर 186 में थे। चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें बात करते हैं। सो ये आई वाला जो फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, और आई पर जितने भी ये टॉपिक हैं मायोपिया वगैरह एटीसी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पेज नंबर 190 में, ठीक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब न्यू चैप्टर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला, सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, ये सब आपको पूछ सकता है, और एग्जांपल नंबर 12.1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 202 में, ये सारे एग्जांपल इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 12.6 पेज नंबर 209 में। फिर जो ओम्स लॉ है वो इम्पॉर्टेंट है, पैरेलल की बात कर लो, फिर या फिर ये जो लॉ होते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वेरी इम्पॉर्टेंट पेज नंबर 216 में, क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट पेज नंबर 218 में। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 15 इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेन द फॉलोइंग वाला वेरी इम्पॉर्टेंट।
अब आ जाओ चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आते हैं फिर ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो लॉ है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लेमिंग्स लॉ है, लेफ्ट एंड राइट एंड वाला, वो इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू फॉल्स में शायद आ जाए इनमें से कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, ठीक है। आपको एग्ज़ाम IITC पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे वो नहीं दे रखे हैं एनसीईआरटी में। उनके टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर, वो आपको अदर्स बुक में ही मिलेंगे, जो रेफरेंस बुक होती हैं। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 248 पे, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी पे आ जाते हैं अब। फिर क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 254 पे। फिर पेज नंबर 255 पे आ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट, इस पे आ जाऊं, तो ये जो फूड सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 260 पर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी, ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 264 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, व्हाट इज जो बायोलॉजिकल वाला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैग्न जो है, ये वाला चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट, इसी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसकी बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 पेज नंबर 271, वाटर हार्वेस्टिंग पर क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना। तो यह बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 280 पर। सो ये आपकी NCERT कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, NCERT इनफ नहीं है, मैं आपके लिए 200 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। और आज ही के एक पिछले 10 साल के जो प्रीवियस पेपर है वो अगर देख लेते हो, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आइडिया लग जाएगा, वो भी आज मैं आप अपलोड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को तक भी ये वीडियो पहुँच सकें।